एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। वंस अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा इंडियन मेकअप लुक जो कि परफेक्ट पार्टी के लिए है। सो अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ये है वन ब्रांड मेकअप लुक। तो मैं सारे के सारे कलर बार के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है कलर बार का सेल्यूलर ड्राई ऑयल। OMG, दिस ऑयल इज सो अमेजिंग स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। एंड अगर आपकी नॉर्मल भी है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। सो उसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कलर बार का ये प्राइमर। मेरा आप देख रहे हो बार बार मैं हाथ को रब कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस बहुत ही स्लिपरी हो गया था प्राइमर एंड इस ऑयल से, इतना सॉफ्ट। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्किन परफेक्ट कलर बार का फाउंडेशन। सो ये न्यू फाउंडेशन मैंने लिया है। सो ये येलो टोन्ड है। मेरा जो शेड होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी आपको। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे पर्पल पे स्टार्ट होने वाली है आई हार्ट ब्यूटी सेल। ये सबसे बड़ी सेल है पर्पल की और साल की सबसे बड़ी सेल है जहाँ पे आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिल रहा है एंड कलर बार पे अप टू 30% का ऑफ। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस सेल में बाय कर सकते हो। मैं लिंक्स नीचे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी दे दूंगी। नेक्स्ट फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ कंसीलर के लिए यूज़ किया ये मेकअप स्टिक, कलर बार की मेकअप स्टिक एज अ कंसीलर। एंड मैं आपको बता दूँ इस टाइम पे मैंने वेयर किए हुए हैं ओ लेंस के कॉन्टेक्ट लेंसेज इन दी शेड सिम्फनी ग्रे। ब्यूटीफुल कॉन्टेक्ट लेंसेज, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट शेड ओ लेंस में, और मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत सूट करता है। नेक्स्ट बेस कंप्लीट होने के लिए मैं सेट कर रही हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मैंने लूज पाउडर यूज़ किया है कलर बार का। वंस अगेन अच्छा लूज पाउडर है, सेट बहुत अच्छे से करता है। और उसके बाद मैं ये वाला किट ले रही हूँ जिसमें आपको हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर मिलता है। तो थोड़ा सा डार्क है ये, आप अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन को तो भी ये आपको जाएगा बहुत अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे एंगल ब्रश लिया एंड देन सबसे पहले मैं इसे प्लेस कर रही हूँ एंड देन मैं फिर बाद में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नोज़ पर भी अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हो ब्लेंड करने का। ब्लश मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलर बार का, इट्स अ स्वीटी पिंक समथिंग कुछ करके है शेड है एंड बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। आपको एक बार ये शेड ज़रूर ट्राई करना चाहिए मेरे रिकमेंडेशन से। इसमें एक सिल्वर कलर की शीन भी है जो कि आपको ग्लो प्रोवाइड करती है एंड बहुत ही प्यारा लगता है ये। देन उसको अगेन थोड़ा सा और ग्लोई बनाने के लिए मैं ये कलर बार का ये किट ले रही हूँ, ग्लिटर अप किट, जिसमें से मैंने ये हाईलाइटिंग शेड लिया है। एंड मैं एक ब्रश की हेल्प से पहले हाईलाइट कर रही हूँ क्यूपिड्स बो, ब्राउ बोन और जो हम ही मैं करती हूँ। नेक्स्ट मैं अगेन सेम फाउंडेशन ले रही हूँ एंड देन मैं थोड़ा सा और अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड्स पे ताकि एज अ बेस मिल जाए मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार का पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें से मैंने ये वाला शेड लिया है और बहुत ही ईजी है इसको अप्लाई करना है। एंड आप देख सकते हो उसकी पिगमेंटेशन, बट इसमें एक ही चीज़ है कि ये वाले शेड में सारे ग्लिटरी शेड्स हैं और मेरे पास और कलर बार का कोई पैलेट नहीं था, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं क्रीज में भी ग्लिटर ले लेते हैं। शिमरी है, एक्चुअली ग्लिटरी भी नहीं है, शिमरी। आप देख सकते हो आईज पे शिमर दिख रहा होगा आपको। तो ये बहुत ही प्यारा टैंजरीन शेड है और पूरी आईलिड पे, लोअर लैश लाइन पे मैंने इसे लगा लिया है इस तरीके से। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्रे शेड, लाइक ग्रे विथ हिंट ऑफ ब्लू, मतलब बहुत ही प्यारा शेड है। एंड इसको मैं पैट करूँगी अपनी 1/3 आईलिड पे इस तरीके से, कुछ सिंपली पैट करेंगे, अच्छे से प्लेस कर देंगे कलर को। ओके, तो नेक्स्ट आईलिड पे भी इस तरीके से पैट कर रही हूँ मैं और हम उसके बाद ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हो कि मेरे ग्रे कॉन्टेक्ट लेंसेज के साथ ये ग्रे कलर कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड आई थिंक इसकी वजह से ये आई लुक मुझे पसंद आया। नेक्स्ट मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ कलर बार का डुओ मस्कारा जिसमें आपको थिन एंड थिक दोनों ही वॉन्ड मिल जाते हैं एंड अपर लैशेस पे भी थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मेरे एक्सटेंशन है अभी इस वजह से मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मस्कारा की एंड आई थिंक आई एम डन। ओके, तो काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का काजल और आप देखोगे काजल से इंस्टेंटली लुक कितना चेंज हो जाता है। और ये मैं थोड़ा सा देसी वाइब वाला लुक भी कर रही हूँ कि अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आप ऐसा लुक ले सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार की आईब्रो पेंसिल इन दी शेड चेस्ट नट। बहुत ही क्रीमी है ये पर कलर बहुत प्यारा है। नेक्स्ट तो मैं इसको अच्छे से फिल इन कर लूँगी और इसके साथ आपको स्पूली भी मिलती है जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ब्राउज के बाद मेकअप सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार का मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ एक कलर बार का लिप क्रियॉन मैट मी एज आई एम। शेड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है बट लुक एट द पिगमेंटेशन एंड सो क्रीमी।
एंड आई थिंक ये मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस मेकअप के साथ, क्योंकि मैंने ऑरेंज क्रीज में भी लिया है एंड इसमें भी थोड़ा सा पीच एंड ऑरेंज का टिंट है. देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है बेसी. एंड फ्रंट में थोड़े से यू नो साइड फ्लिक्स एंड दैट्स इट. या दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक. आई होप आपको ये मेरा कलर बा वन ब्रांड मेकअप लुक पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. टिल देन बाय, टेक केयर.